आईपीएल अब शुरू होने में 4 दिन का वक्त ही बचा है, इसलिए ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कौन सी टीम होगी जो इस बार की आईपीएल चैंपियन बनेगी। साथ ही कई दिग्गज खिलाड़ी अपनी अपनी टीम भी बना रहे हैं। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एमएस धोनी दुनिया के जाने माने कप्तान हैं। वो भारत को आईसीसी की 3 ट्रॉफी जिता चुके हैं। वहीं 3 वो अपनी टीम चेन्नई सुपर किंग को चैंपियन बना चुके हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि आज की तारीख में कोई आईपीएल टीम बने और उसमें एमएस धोनी ना हो? शायद आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन एक खिलाड़ी ने ऐसा ही कर दिया है। दरअसल आपको बता दें, एमएस धोनी की बात तो छोड़िए, अगर आईपीएल के सबसे सफल कप्तान की बात करें तो रोहित शर्मा का नाम सबसे ऊपर है। वो अपनी टीम मुंबई इंडियंस को 4 आईपीएल की ट्रॉफी दिला चुके हैं, लेकिन आईपीएल की टीम बनाने वाले खिलाड़ी ने रोहित शर्मा को खिलाड़ी के तौर पर तो शामिल किया है, लेकिन कप्तान किसी और को बना दिया है। चलिए आपको उस खिलाड़ी का नाम बताते हैं। वो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज गेंदबाज रहे ब्रैड हॉग। दरअसल ब्रैड हॉग ने आईपीएल की एक बेस्ट प्लेइंग 11 तैयार की है। इसमें एमएस धोनी का नाम नहीं है। बड़ी बात तो यह है कि उस टीम में रोहित शर्मा को बतौर खिलाड़ी शामिल किया गया है। वहीं विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर ब्रैड हॉग ने ऋषभ पंत को अपनी टीम में शामिल किया है। ये अपने आप में बहुत चक्का कर देने वाली बात है। दरअसल ब्रैड हॉग ने अपनी आईपीएल टीम में डेविड वार्नर को शामिल किया है। फर्स्ट टीम में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के कप्तान विराट कोहली भी है, लेकिन कप्तान बनाया गया है न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को। इस टीम में अपनी टीमों को आईपीएल का खिताब जिताने वाले कई खिलाड़ी हैं। ऐसे में केन विलियमसन को कप्तान बनाना समझ से परे है। इसके अलावा इस टीम में आंद्रे रसल भी हैं और रविंद्र जडेजा भी हैं। अगर गेंदबाजी की बात करें तो इसमें सुनील नारायण, युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह को भी जगह दी गई है, पर इसमें एमएस धोनी को अपनी टीम से बाहर रखा है। खैर, आपको क्या लगता है हमारे कमेंट बॉक्स पर मेंशन करना ना भूले। LD न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।